तो इस क्लिप में मैं आप सबको गुड मॉर्निंग बोल रहा था, और एडिटिंग के टाइम पे मेरे को पता चला कि इसमें माइक ख़राब हो गया मेरा, पता नहीं कैसे। तो गुड मॉर्निंग आप सबको, और मैं अभी पार्क में आया हूँ घूमने, तो चलो पार्क में घूम लेता हूँ, रनिंग कर लेता हूँ, उसके बाद आप सबसे मिलता हूँ घर जाके। मैं घर आ रहा था तो मैं देखा कि हमारे बिल्डिंग बेसमेंट में कुछ काम वाम हो रहा है, चलो देख के आते। पापा गए हैं, पापा के पीछे पीछे हम भी चलते हैं। हाँ 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 अल्लाह खान भैया की ड्यूटी आपने ले ली। पेड़ों में पानी, क्या बात। स्कूटी मत धो देना, उससे फिर वो बैटरी बैटरी का फिर से वो हो जाएगा। मुझे लगा पापा बेसमेंट में गए, पापा तो पेड़ों में पानी डाल लें। अच्छी बात है भाई, डालना चाहिए, पेड़ों की जरूरत होगी। जैसे हमें पानी चाहिए होता है, इन्हें भी पानी चाहिए होता है। क्यों मम्मी? हाँ। जैसे हमें पानी चाहिए होता है, पेड़ों को भी तो पानी चाहिए होता है। बिल्कुल भाई, हमें प्यास, बिल्कुल गर्मी में इतनी प्यास हमें लग रही है, तो पेड़ तो बल्कि हमें ऑक्सीजन दे रहे हैं। आज का नाश्ता पापा की डिमांड पे वेजिटेबल मैगी, और मैं इसमें से एक कटोरी खाऊंगा। और आप सबका भी स्वागत है संडे नाश्ता में, संडे स्पेशल नाश्ता। पर ये लोग तो, पर ये वाकई हमारे बहुत टाइम बाद बन गई, बहुत सच में। लीजिए भाई अपना योर फेवरेट फूड, योर नहीं ब्रेकफास्ट, यू हैप्पी? अच्छा मम्मी एक बात बताओ। हाँ। एक आदमी एक बार अंडा पिसाने गया, वो चक्की पे गया, तो चक्की वाले जगह भैया से पीस दो, तो चक्की वाले ने उसे लात मार के क्यों भगा दिया? लात मार के क्यों भगा दिया? इसका जवाब कठिन तो बहुत है, पर इसका जवाब मैं इतनी सरलता से देना चाहूंगी। जवाब इसका बहुत कठिन है, पर इसका जवाब मैं तुम्हें बहुत सरलता से देना चाहूंगी, इतनी सरलता से देना चाहूंगी। उसने कहा जा यहां से भाग, पहले गेहूं लेके आ, तब पीसूंगा तेरा आटा, क्योंकि आटे को आटे पिसवाने आ गया मूर्ख। तूने क्या सोचा है, तूने क्या सोचा मम्मी, मम्मी मूर्ख। अरे जा, अच्छा मैं ना एक वीडियो देख रहा था, उसमें जो लाइफ सर्कल वो था ना, बच्चा आया था जो बनता है लॉयर, वो बता रहा था कि एक बार मेरी आंखों ने एक पेड़ पे लगा हुआ फल देखा। अच्छा। अब मेरी आंखें तो उस तक जा नहीं सकती, तो मेरे पैर चल के गए। अब पैर तो तोड़ नहीं सकते, तो तोड़ा मेरे हाथों ने, तो हाथ खा नहीं सकते, खाया मेरे मुंह ने। अब मुंह से रख नहीं सकता, तो रखा मेरे पेट ने। और ये सब होते हुए देखा माली ने, माली ने डंडा मारा उसकी पीठ पे, जबकि पीठ का इस कांड से कोई लेना देना नहीं है। और आंसू निकले आंख से, क्योंकि आंख ने शुरुआत में देखा था फल को। इट्स अ साइकिल, सीधा सीधा कुछ नहीं होता जिंदगी में। सब घुमावदार होता है, घुमा फिरा के चीजें वही आती है, ज्यादा शुरू हुई होती है। तो इसलिए आप समझिए और अमल कीजिए। ये देखो ये फूल फूल गया मेरा। ये गर्मी बहुत हो रही थी, इसलिए बच्चा हम सबके लिए नींबू पानी घोल रहा है, बहुत बढ़िया। आपको तो दे चुका रस ना। मैंने पी लिया, वेरी गुड। अरे 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 गिर जाएगा, वेरी गुड। गाइस अभी बज रहे सुबह के 11, और मैं जा रहा हूँ गाड़ी में, क्योंकि आज 24 आवर्स का चैलेंज तो नहीं कर सकता, 12 घंटे का करूँगा। अभी 11 बजे में है 5 मिनट, तो अभी जाऊँगा और रात के 11 बजे तक गाड़ी में बैठा रहूँगा। इट्स सच अ लॉन्ग टाइम। चले भाई साहब, तो सामान ले लिया, बैग में कॉपी वॉपी डाल लिए, चलो ये हेडफोन्स वगैरह ले लेते हैं। तो अभी पापा सो रहे हैं, गाड़ी की चाबी ले लिए। पापा को बिल्कुल नहीं पता है कि मैं चैलेंज कर रहा हूँ। अगर बाई चांस शक्ल की दिख रही है, बाई चांस पापा ने मेरे को डांटा तो मैं वापस आ जाऊँगा, पहले बता रहा हूँ। चलो अगर पापा ने बोला कि आ जा तो मैं आ जाऊँगा, ठीक है? ओ, ये गाड़ी तो ढक देते ही, हटवा देते ही ये गाड़ी को। बोलिए जरा उनको, लगने को नहीं हटवा तो देते कम से कम। ये क्या गाड़ी का ये क्या कर दी हो गया ये, एक मिनट। आगे किसी पे बैठेगा? पीछे चले जाऊंगा। पीछे बैठ, आराम से बैठ जाएंगे। पीछे जा, कौन सी गाड़ी चला के जाना है तुझे यहाँ? ये रखो उधर। पापा से ना गाड़ी यहाँ हवा में करा ले सारा। हवा में कहाँ, इधर इधर बीच में करा ले। नहीं नहीं कोई नहीं, देखो अब हम बैठ गए हैं गाड़ी में, अब हम यहाँ से हिल नहीं सकते। पापा गाड़ी पीछे करा दूंगे, पापा जब जग जाएंगे तो पीछे करा दूंगे। पीछे करा देंगे तो हम देखो हम क्या करेंगे।
अपना है जुगाड़ तो, और गाड़ी वाली सीट बन जाए। और गाड़ी कसम से बहुत ज्यादा ठंडी है, कसम से मजाक नहीं कर रहा, गाड़ी ठंडी हो रही है। अभी भी देख बेटा ये सब मत कर, दिक्कत हो जाएगी। बस टाइम टू टाइम खाना ले के आना। अच्छा, मतलब दोपहर का खाना 3 रोटी और ठंडे छोले की सब्जी। तुम आज के लिए कमरा मेरा मतलब नीचे ऊपर नीचे करूँ, ग्राउंड फ्लोर पे पिपिन कर लेगा, पिन इतना तो प्यारा भाई है। आज के दिन शांति पूर्वक दिन, यहाँ ना मतलब सीलन और स्मेल सी भी नहीं है, तो इसलिए मैं कह रही हूँ थोड़ा पापा जब जग जाएंगे ना, पापा से थोड़ी गाड़ी पीछे करा दूंगी। करा लेंगे भाई, आज मैनेज कर लेंगे सब, जैसे जो भी है थोड़ा सा। ठीक है ठीक है, चलो अब मम्मी हम आपसे मिलेंगे रात में। तो गाइस मैं अंदर आ तो चुका हूँ, अब यहाँ थोड़ी सी सेटिंग बनानी पड़ेगी भाई, और पापा को अभी भी नहीं पता, पापा हो सकता है गुस्सा भी करें क्योंकि पापा से बिना पूछे आ गया। ये बॉटल सब देखो, सारा सामान यहाँ पड़ा, बैग, स्कूल का काम है तो वो भी लेके आ गया हूँ, वो भी कर लूँगा थोड़ी देर। चलो भाई साहब बैठते हैं, 12 आधे दिन के लिए। अभी कितना बज रहा है? हाँ तो अभी वही बच्चों का है 11:30, रात में 11 बजे से पहले यहाँ से उठ नहीं सकता मैं आज का वर्कआउट, क्योंकि आज संडे, आज संडे वर्कआउट करता नहीं मैं। सही है भाई, चलो अभी खाना बनना, टेंडे छोले और रोटी, तो आ जाएंगे मेरे पास। आप हमसे मिलने आए हैं? यहाँ पे क्या हो रहा है? हम थोड़ी देर खेल रहे थे। खाली ट्रे गाड़ी में बैठ के? हाँ। क्यों, गाड़ी में क्या क्या है? अरे मेरा मैच चल रहा था, जल्दी बताओ यहाँ क्यों आए हो? यहाँ में? हाँ। किससे बात कर रहे थे? शिव से। अच्छा, भाईजान करके? हाँ। क्यों? ऐसे ही हम भाईजान कैसे हो? अच्छा ठीक है, कर लो। पीनू भी चला गया है, और अभी यार लाइट बंद कर दो, वैसी बहुत गर्मी हो रही है। हाँ। नहीं जला दो, चेहरा नहीं दिख रहा। यार मैं थोड़ी देर गेट खोल लेता हूँ गाड़ी की, क्योंकि मच्छर से काट रहे हैं और थोड़ी सी हवा भी लग जाएगी। पहले देखिए गाड़ी का अलार्म तो नहीं बजेगा? नहीं बजा। हाँ। तो अभी बैठे बैठे 2 घंटे हो चुके हैं, और मम्मी आई है मिलने। मम्मी कितना बज रहा है इसमें? 2 बज गया, 3 घंटे हो गए, 3 घंटे बीत चुके। मैं तो आज घर पे काम, संडे है भैया। हाँ। दुखी हो गई मैं आज तो, काम कर करके भाई 3 घंटे हो चुके, और मैं स्कूल का थोड़ा सा काम वाम कर रहा था। अब बस मैं नहाने जा रही हूं। ना, पापा क्या कर रहे हैं? सो रहे हैं। चलो अच्छा, पापा सोते रहे रात तक, कोई दिक्कत नहीं। सो रहे हैं वो तो, नींद पूरी कर रहे हैं। पीनू ड्राइंग कर रहा है। सही है। और अभी पीनू आया था मैं छेड़ने। अच्छा हाँ, आया था। और मैं खाना वाना बना के बस। यार मैं एक चीज भूल गया लाने से पहले। क्या? मतलब यहाँ आने से पहले सोच रहा कुछ बिस्किट के पैकेट ही खरीद लाता मैं। कोई नहीं, मैं तेरा अभी बस आधे घंटे बाद खाना भेजती हूँ। खाना भेज देना, शाम को पीनू को बोल दूंगा कि तू बिस्किट ले आई एक दो। खाली बैठे भूख लगती है, मैं मालूम है। देखो हमने ये जुगाड़ कर लिया अपना। सही, दिखाओ लोगों को जुगाड़, दिखाओ। देखो ये जुगाड़ करा हमने, आराम से बैठे हुए हैं। ये तो तू ऐसा था ना, कंफर्टेबल पीछे की सीट पर भी जा सकता था, तूने ये दोनों सीटों को वो कर दिया बर्बाद। बर्बाद से निकाल के फेंक दिया क्या मैंने? सही हो जाएंगे। ऐसा काम अंधेरे में काम कैसे कर रहा है? अंधेरे में क्या, ये है ना। अच्छा बहुत है तो नहीं, लेकिन ये जल्दी इसकी वजह से गर्मी हो जाती है तो कभी बंद कर देता हूँ कभी जला। अच्छा, इस लाइट से कर लेता होगा इसकी। हाँ। वर्क उतार रहा है। अभी पापा शाम को जग जाएंगे तो पीछे करवा लियो, तो हवा में पीछे नहीं, मैं गाड़ी बाहर ही निकलवा लूंगा। हाँ हाँ ये सही है, गाड़ी बाहर निकलवा, गाड़ी बाहर शाम को खड़ी रहेगी, पापा रात में अंदर कर देंगे। हाँ ये ठीक है, तो थोड़ा बाहर का माहौल भी देखता रहेगा। बाहर में देखो दुनिया कैसी होती है, तुम यहाँ है नहीं। अभी जैसे 5 बज जाएंगे ना उसे बाहर निकाल देंगे, क्योंकि अभी तो धूप है बाहर। 3 रोटी भेजना बिना घी की। ठीक है चलो कंटिन्यू वर्क। तो भाई अभी 3 बजने वाले हैं, और कसम से मैं तो लेट गया हूँ, मेरे को आ रही बहुत नींद, और यहाँ थोड़े बहुत मच्छर भी हैं, और एसी में ज़्यादा देर चला नहीं सकता क्योंकि गाड़ी में पेट्रोल बहुत कम है। चलो यार थोड़ी देर में लेट लेता हूँ, पता नहीं खाना कब तक लाएंगी मम्मी, जब लाएंगी तब जगा देंगी तब उठ जाऊँगा, तो अभी मैं सो जाता हूँ थोड़ी देर, मैं सबसे मिलूंगा आप थोड़ी देर के बाद। चलो भाई सारांश को चल के खाना दिया जाए नीचे फटाफट से। मैं ढकती लेकिन मैंने कहा फटाफट देख के आ रही हूँ तो ढकना 2 मिनट में उसको देती हूँ। हेलो 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 हेलो, ओपन द डोर। ये ले लाइए जी भाई, क्या है खाने में आज, क्या बनाए? अच्छा कल की सब्जी आलू की, आलू की वो है तो क्योंकि तूने कल टेस्ट नहीं की थी ना बिल्कुल। तो और ये छोले टंडे की सब्जी है, तेरे लिए पानी भी ले आई मैं, मैंने कहा तेरे को जरूरत होगी। और पापा ना, पापा गुस्सा हो रहे थे। क्या? पापा कह रहे थे कि ये कौन सी बात है, ये कौन सा चैलेंज होता है, ये किस तरीके का चैलेंज है कि गाड़ी में बैठना है, दम घुट जाएगा, पढ़ाई लिखाई हो नहीं रही है। मैंने कहा वो पढ़ रहा है नीचे बैठ के, लिख रहा है, अपना काम उतार रहा है।
तो कह रहे अच्छा मिलने तो भेजो, तो कह रहे वो खाना खा रहे हैं ना, वो अभी नहीं आएंगे वो। और मैंने कहा वो कह रहे हैं कि कह रहा था कि शाम को पापा से कह देना गाड़ी बाहर, वैसे तो अभी भी गाड़ी बाहर करवा सकता है, अब तो थोड़ा मौसम भी मतलब बाहर हवा चल रही है, ऐसा नहीं है। खाना खान दो आराम से, हाँ खाना ना खान दो, फिर वो अपने आप तेरे पास आएंगे अभी, क्योंकि जिस तरह से गुस्सा हो रहे थे। और कुछ चाहिए वो खाने के लिए इसमें? एक रोटी और चाहिए, तीन कितनी है? तीन है ना? हाँ, तीन है, ठीक है मेरे को दो दिखाई दे, ठीक है। तो एक पूड़ी भेज दूँ? नहीं एक, वैसे मैं रख के ला रही थी, पूड़ी नहीं, मैंने कहा एक तो खा लेगा, पूड़ी नहीं, ठीक है। मैं पीनू को कॉल कर दूंगा, थाली ले जाएगा, अभी तू रख लियो, हम ले जाएंगे अब, तू ठीक है। चलो और सुसु आएगी तो कहाँ जाएगा? सुसु अभी अभी नहीं, ठीक है। लाई मम्मी तेरे लिए जल्दी से, मैं अच्छा इसे रुका खा लूं? हाँ रुका खा सकता है, बेड़ी में तो पर हाथ ना, तुम टॉवल नहीं लेकर आए? एक धो लिया मैंने हाथ, कहाँ धो लिए? नीचे देखो, नहीं तो लेकिन अंदर टॉवल भी होना चाहिए ना, ये सब की खा रहा है, हाथ पोंछने के लिए कुछ कर रहा है तो फिर। अरे सुनो पीनू का एक चक्कर, जब थाली लेने भेजोगी ना तो कटोरी में वो मीठा जो बना है वो भेज देना। चल मैं जा रही हूं। तो खाना वाना खा लिया भाई मैंने, प्लेट अभी वहीं रखी है, और अभी 4 बज गया भाई, जब मेरे को यहाँ हुए 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 घंटे हो चुके, 5 घंटे, अब कितना 7 घंटे और है भाई, आराम से गुजार गए। मेरे को थोड़ी सी नींद आ रही है इसलिए मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ। तो अभी कॉल करा था मैंने, वीडियो कॉल पापा को, पापा ने कहा यही काम करते रहे ना तुम, कुछ नहीं ऐसे आई, मेरा तो कहा मेरे का मम्मी का आइडिया था, मेरा आइडिया था आइडिया नहीं भाई, पापा को भी चिंता हो रही है ना कि गाड़ी में जब जान तो सफोकेटेड हो जाता थोड़ा बहुत, कोई नीचे आ रहा शायद, सीढ़ियों की आवाज़, कोई मेरे से मिलने आ रहा है क्या? कोई नहीं आ रहा। तो गाइस जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 5:30 बजने वाला है, शाम का 5:30 बजने वाला है, और मेरे को ऑफिशियली अब एक तरीके से वो होने वाला है, क्या कहते हैं, 6.5 घंटे, मतलब 6 घंटे तो हो चुके हैं, यानी कि आधे का भी आधा दिन। मैंने 12 घंटे का चैलेंज करा ना, 24 घंटे का इसलिए नहीं करा था क्योंकि कल मंडे है, स्कूल जाना है, तो भाई 6 घंटे में बैठ लिया गाड़ी में पता नहीं कैसे, और अब इतनी थकान हो रही है ना कसम से, मन कर रहा ऊपर जाऊँ और ऐसे लेट जाऊँ अपने बेड पे, पर नहीं आगे मेरे को पता नहीं भाई मैं कितनी देर रुकूंगा, मैं 6 घंटे रुक लिया वही बहुत है मेरे लिए, आगे भी रुकने का ट्राई, पूरा ट्राई तो करूंगा रुकने का, पर पता नहीं कब तक रुकूंगा, तो बने रहना व्लॉग में भाई। देखो अब है ना ऐसा कि अब बज रहा है शाम के 6:30, अब मेरे से यहाँ बैठा नहीं जा रहा बिल्कुल, क्योंकि मच्छर बहुत काट रहे मेरे को, और मैं पूरे दिन मतलब पूरे टाइम गाड़ी कैसे चला के रख नहीं सकता, तो इसलिए मेरे को मच्छर काट रहे हैं बहुत ज़्यादा, और मैं बैग पैक करके जा रहा हूँ। मैं आ गया तू? आ गया। क्यों भाई? पापा गाड़ी में मच्छर बहुत है। मच्छर तो वो अंदर भी तो बंद है ना वो? नहीं नहीं वो गाड़ी अंदर अंदर की बात नहीं है, सफोकेशन इतना है वो सब इतना, अगली बार करेंगे तो गाड़ी बाहर निकाल देंगे। हाँ गाड़ी बाहर निकाल, मैंने पापा को सबसे ज्यादा खुश पापा है, है पापा? और मैंने पापा को बहुत देर से बोल रही थी कि गाड़ी अपनी माँ के साथ उस माँ की गरमाई में बिताते हैं जिसे इन्होंने दीमकों को। मैं पापा को बोल रही थी देर से कि जाओ गाड़ी बाहर निकालो, गाड़ी बाहर निकालो, और वो कह रहे थे नहीं मैं नहीं जाऊँ, दूध के दांत निकलने लगे, कह रहे ये कोई चैलेंज होता है। पीनू की हो चुकी है हेयर कटिंग आखिरकार, उसके पापा जबरदस्ती ले जाकर, फिर भी बिल्कुल पीनू लग ही नहीं रहा कि तू कटिंग करा कर आया है, मुझे तो लग रहा है ये साइड से बिल्कुल जीरो मशीन करवा लेता था, साइडों की जो होती है ना ये। मम्मी सुनो बैक साइड्स करियो बैक, अब तो मुझे ऐसा लग रहा है मेरा सर खाली खाली हो गया, पहले ऐसा तो भरा भरा है बैक वो ना बैक बैक, हाँ ये बाल बिल्कुल अब सही है। पीनू वास्तव में पसीना भी बहुत भरता था और बहुत गंदे भी लगते थे वो जंगली से बाल, जंगली हाँ। अब थोड़े आप कितने बड़े हैं तो आपके फिर नहीं हुए, हाँ इसके इतने बड़े इसके कटो। मम्मी ने रात में हम सबके लिए बनाई है कोल्ड 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 कॉफी। भैया थोड़ा झाग कम दे देना मेरी में, झाग मतलब अरे ऐसे झाग नहीं है ऊपर से तो वो आनी चाहिए ना। और आज मैं और बिनु बहुत टाइम के बाद देख रहे हैं छोटा भीम, भैया ने लगा दिया पता नहीं क्यों, मुझे तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा,
तो आज मेरी टर्न है, मैं जो देखूंगा वो तुम्हें देखना पड़ेगा। बच्चे हो गए, 18 साल के हो गए। हाँ 18 का हुआ नहीं हूँ, अभी होऊंगा। तो तब भी बच्चे हो? हाँ। मैं तो नहीं हूँ, मुझे तो मूवी देखनी है बड़ी सी। जब तू शिनचैन देखता है मैंने कुछ कहा? जब तू टीन टाइटंस को देखता है मैंने कुछ कहा? मैं पहले देखता हूँ। शांत रहे। हाँ भाई मारो इसे, किरमाटा को मार दो। गाइस मैंने अभी मम्मी के मेहंदी लगा लूँ, ये मैंने पूरा हाथ मैंने ही कर रहा है गाइस, और एक हाथ से मम्मी ब्लॉग बना रही है, वो तो मम्मी ने पहले ही कर लिया था। सजेस्ट करना कैसे? देखो आज ये पीनू मेरे मेहंदी लगा रहा है, और जैसी भी लगा रहा है पर अच्छी लगा रहा है। पीनू नहीं लगाई है पूरी मेहंदी, कह रहा लाओ मम्मी मैं आज आपके मेहंदी लगाता हूँ। और ये भैया पापा पढ़ रहे हैं, और ये इन दोनों की चल रही है यहाँ पढ़ाई, डिस्कशन, साइंस डिस्कशन, बायोलॉजी पे चल रहा है, बायोलॉजी डिस्कशन। तो क्वेश्चन आंसर चल रहे हैं, चलाते रहो। और यहाँ हमारी लग रही है मेहंदी, पीनू मेहंदी लगा है, राइट, थैंक यू पीनू। मम्मी ये पीनू ने सर्कल बनाया है, ये पीनू ने फोर सर्कल्स बनाए हैं, एंड पीनू ने ये मेरे इसे पोरू कहते हैं, पीनू ने ही लगाए हैं। लो उस हाथ के भी फोर सर्कल बना दो, उस हाथ में नहीं है, उस हाथ में नहीं है फोर सर्कल, जाओ बना दो। नहीं काफी है, नहीं बना दो, दोनों सेम दिखना चाहिए ना, सेम दिखना चाहिए है पीनू। अच्छी लगाई है पीनू, अब मेरे आप ही लगाया करना। मुझे नहीं आता बनाने, वो तो ऐसी कर ली बस मैंने। हाँ तो ड्राइंग ड्राइंग करी ना आपने? ड्राइंग होती है ये, तो मुझे कुछ और ही लगता है। ये लोग इतना इतनी जोर जोर से पूछ रहे हैं, उस क्वेश्चन देख के लगता है चार एमसीक्यू सही। अब ऑरेंज क्या है? हाँ यही तो इस टाइप के एमसीक्यू है, तुम बताओ इस वक्त तुम्हारे बारे में यही क्वेश्चन आता है, तुम आंसर क्या करोगे? लोग आज रात पर बायोलॉजी डिस्कशन चलेगा, चलने दो भाई, हम तो मेहंदी लगा रहे हैं। चलो ओके गाइस, बार इस ब्लॉग को एंड करने की, और जैसे कि आपने आज के ब्लॉग में देखा मैं चैलेंज पूरा नहीं कर पाया, सॉरी। चलो यार फिर किसी दिन जब गाड़ी बाहर निकलेगी तब करूँगा, क्योंकि अंदर सफोकेट भी हो रहा था और मच्छर भी बहुत काट रहे थे। अगली बार सफाई वफाई करके पूरी गाड़ी की फिर बैठेंगे। चलो अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, और इस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, और रिव्यू अपने फैमिली फ्रेंड्स का शेयर जरूर करना। तो ठीक है, आज के लिए हो गया, मिलते हैं कल, तब तक गुड नाइट, टेक केयर एंड बाय बाय। मिलेंगे कल जब नए तरह के वक्त ब्लॉग के साथ।